हाँ जी भाई, तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूएसए T10 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का सेकंड मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 17 जो कि खेला जाएगा कैलिफोर्निया नाइट वर्सेज अटलांटा राइडर्स के बीच में, इस मैच की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक एक प्लेयर के बारे में डाउट क्लियर करूँगा, किसको किस कंडीशन में लेना है, कब ड्रॉप करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या यहां पर वेन्यू पर खेल चल रहा है, सारी चीजें बताऊंगा। स्पिनर हावी रहेंगे या पेसर हावी रहेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। वीडियो अगर देखने लगी गए तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप एक लाइक कर दोगे ना तो भाई वीडियो बनाने में जो मोटिवेशन मिलता है, जो स्टेट्स वगैरह निकालने में मोटिवेशन मिलता है, वो अलग लेवल का होता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोस वगैरह आए उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात कर लेते हैं भाई यहां पर डेट एंड टाइमिंग की। तो डेट रहेगी भाई 24 अगस्त यानी कि आज की, और टाइमिंग की बात करें तो 9:15 पर मैच खेला जाएगा आज नाइट में। और यहां पर इस मैच को स्टार्ट होने में अभी भाई मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे बचे हैं, और जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट भाई 2 घंटे बचे होंगे, क्योंकि वीडियो को एडिट वेडिट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और अपलोड करने में भी। तो जब भी आपको वीडियो मिले वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना तो इजीली आप इस मैच में बड़ी शानदार विनिंग कर जाओगे। तो वीडियो जब भी देख रहे हो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बात करें अगर पिच रिपोर्ट की तो बैलेंस विकेट है वैसे तो, और यहां पर जो एक चीज अब चेंज होगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, देखिए अब इस पिच पर काफी मैचेज हो चुके हैं तो पिच धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो रही है, और स्पिनर्स का रोल यहां पर बढ़ेगा, बैट्समैन का रोल यहां पर थोड़ा सा घटेगा। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेन फोकस आपका होना चाहिए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन प्लस सेकंड इनिंग के स्पिनर प्लस फर्स्ट इनिंग के पेसर, ये कॉम्बिनेशन आप बनाइए, आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। बात करते हैं भाई एवरेज स्कोर की। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई यहां पर 90 से 110 का एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने दोस्त टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आपको टॉस के बाद, बैटिंग ऑर्डर आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करवाता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे रखा है, अभी की अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पर और ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया नाइट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रीसेंट फॉर्म के बारे में। यहां पर आप देखोगे जैक कैलिस स्टार्टिंग के मैच में अच्छा करने के बाद थोड़े से डाउन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई ओपनर है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया टॉप ऑर्डर का बैट्समैन तो मस्ट पिक रहेगा ही रहेगा, ऐसे बल्लेबाजों को ड्रॉप मत कीजिएगा। साथ में एरन फिंच जो लगातार अच्छा कर रहे हैं इन्हें भी हम अपनी टीम में रखेंगे। मिलिंद कुमार, अब दिक्कत ये है कि ये वन डाउन जरूर खेल रहे हैं लेकिन पहले मैच में परफॉर्मेंस के बाद लगातार डाउन ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप चाहो तो आप इन्हें बैक कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बन जाएगा अगर ये 30-40 रन बना देगा। तो उसका एक रीजन है क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर में जितने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना सबसे ज्यादा बॉल खेलने का चांस उन्हीं को मिलेगा, और 10 ओवर के गेम में भाई टॉप ऑर्डर के बैट्समैन काफी कमाल कर सकते हैं, तो आप बैक कर सकते हो। रिकार्डो पोल की बात करें, यहाँ पर भाई बैटिंग की थी बॉलिंग नहीं की, बट फिर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करने के लिए जाने जाते हैं तो बैक कीजिएगा। एशले नर्स लगातार अच्छा करते नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और भाई यहाँ पर ये कभी विकेट से तो कभी रन से आपको अच्छा करके दे ही रहे हैं, तो बैक कीजिएगा। इरफान पठान, लास्ट मैच में भाई बंदे ने बॉलिंग किया लेकिन ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप चाहो तो अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करती है तो ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में एवरेज है। दिनेश रामदीन, ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग, विकेट कीपर है भाई, बॉलिंग तो क्या ही करवाएगा, और इनको तो ड्रॉप करेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। पीटर सिडल, अब देखिए यहाँ पर पीटर सिडल अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाएगा तो विकेट निकालने के चांसेस हाई रखेगा, ये नहीं कह रहा मैं सेकंड इनिंग में इसको विकेट मिलेगी नहीं, बट फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा चांसेस है विकेट निकालने के। सेम बात बोलूँगा भाई बेन लवलिंग के लिए, लेकिन पवन सुहाल के टाइम पर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म पेसर, और लेफ्ट आर्म पेसर भाई एज कम्पेयर टू राइट आर्म पेसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते कभी कभी, तो उस कंडीशन में एज ए डिफरेंशियल पिक
भी आप इन्हें बैक कर सकते हो। मोहम्मद कैफ, अब देखिए मोहम्मद कैफ आपको पता है वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन खेलने वाला प्लेयर है छोटे फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर बैटिंग तक नहीं आ रही तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर T10 में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा लक तो ज़्यादा आपको चाहिएगा ही चाहिएगा उसमें, भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मान लीजिए किसी ने लिया हो मोहम्मद कैफ को टीम में और उसकी बैटिंग ना आए, और इस हद तक बैटिंग ना आए कि मतलब ऑलमोस्ट पूरी टीम बैटिंग कर जाए और मोहम्मद कैफ ना करके जाए, तो ये थोड़ा गलत है, बट क्या ही कर सकते भाई। देवेंद्र बिशू, अब यहाँ पर देखिए देवेंद्र बिशू बड़ा तगड़ा वेस्ट इंडीज का बॉलर है, स्पिन गेंदबाज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सेकंड इनिंग में रोल थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बात करें अटलांटा राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, रोबिन उथप्पा लास्ट मैच में 0, उससे पहले 32, 24, 88 लगातार अच्छा कर रहे हैं, एक मैच में फ्लॉप हो गया, क्या हो गया भाई, बंदा इंपॉर्टेंट है, बैक कीजिएगा, विकेट कीपर है, एक दो कैच भी पकड़ लेगा और 20-30 रन भी बना देगा, तो कैप्टन VC का भी दावेदार हो जाएगा, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा अपनी टीम में, तो रखो ही रखो, इवन भाई मैं तो कैप्टन करने वाला हूँ या VC तो जरूर करूंगा, तो बाकी देखते हैं। और मेरी टीम में मस्ट टॉपिक रहेंगे लैंडन सिमंस, वही बात है भाई, ओपनिंग कर रहा है और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छे, मैं बैक करूंगा। ड्वेन स्मिथ को भी मैं बैक करना चाहूंगा। हैमिल्टन मसाकाजा, इनकी अगर बात करें तो देखिए सभी को तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर आप रिस्क ले सको तो ड्वेन स्मिथ की जगह पर आप हैमिल्टन मसाकाजा, भाई क्या नाम है इसका, मसाकाजा, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। हमद आजम बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है, आप देखिए लास्ट मैच में इनका ओपन मतलब जो ओपनर्स थे टॉप ऑर्डर था वो कोलैप्स हो गया, तो यहाँ पर नीचे आके जो मसाकाजा और हमद आजम है इन्होंने अच्छा किया, लेकिन वही बात है हर मैच में टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा नहीं, तो ये तो थोड़ा सा रिस्क आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा टॉप के 3 बल्लेबाज, या फिर आप कर रहे हो तो ड्वेन स्मिथ पर रिस्क लेकर और मसाकाजा को ले सकते हो, ठीक है, बाकी हमद आजम को तो मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं अगर बात करें मुखातर अली की, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर बैक कीजिएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्राई कीजिएगा। नासिर हुसैन GL मिनी GL में ट्राई करें। कामरुल इस्लाम अगर बात करें भाई फर्स्ट इनिंग में तो थोड़ा सा ठीक ठाक पिक, सेकंड इनिंग में एवरेज पिक। रियाड एमरिड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत तगड़ा पावर हिटर है, हालांकि टीम बैटिंग में इनका यूज नहीं कर रही, बट अगर करेगी तो भाई काम करके देगा, ट्राई कर सकते हैं। हरमीत सिंह फर्स्ट इनिंग में मस्ट पिक, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक। इलायस सनी की बात करें भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर है, हर मैच में विकेट निकाल रहा है, मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। वहीं अगर बात करें मोहम्मद इरफान की, तो मोहम्मद इरफान को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाती है तो। अब अगर बात करें टीम की, तो टीम की बात करें उससे पहले आपको याद दिला दूं दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो ज्वाइन कीजिएगा। बाकी चलिए मैं आपको टीम बना के अब दिखा देता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं चलिए टीम बनाता हूं। यहां से रोबिन उथप्पा मस्ट पिक, जैक कैलिस, एरन फिंच, लैंडन सिमंस तीनों मेरी टीम में रहेंगे। अब यहां पर ड्वेन स्मिथ और मसाकाजा में से किसी एक को रखना है, मैं अभी के लिए भाई ड्वेन स्मिथ के साथ जा रहा हूं। बाकी हां, यहां से एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है, मिलिंद कुमार को मैं अपनी टीम में रखूंगा। वहीं अगर आप देखोगे भाई ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो यहां पर इरफान पठान को काफी लोग लेकर आएंगे, मेरी टीम में अभी जगह नहीं बन पा रही, मैं यहां से भाई एशले नर्स और रियाड एमरिड को टीम में रखूंगा। इसके अलावा रिकार्डो पोवल, इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो एशले नर्स की जगह पर, तो अगर आप करना चाहो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूं। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे तो अब पीटर सिडल अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करवाएगा तो मैं ट्राई करूंगा। इलायस सनी मस्ट पिक रहेगा, कोई चांस ही नहीं है ड्रॉप करने का। नीचे आप चलोगे तो हरमीत सिंह को आप ट्राई कर सकते हो और यहां से पवन सोहैल। अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस प्रकार की है, बाकी अगर कोई चेंजमेंट होता है, छोटा मोटा कोई भी बदलाव होता है, तो उसकी अपडेट आपको टॉस के बाद मैं टेलीग्राम पर देने वाला हूं। कैप्टनसी की बात करें, मैं रोबिन उथप्पा को दे रहा हूं, VC में एरन फिंच को दे रहा हूं, बाकी अगर आप चाहो तो भाई एसले नर्स और यहां से जैक कैलिस भी आपके लिए अच्छे खासे CVC के ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो सेफ जाना चाहो तो CVC को रिवर्स भी कर सकते हो, कैप्टन फिंच को और VC उथप्पा को दे सकते हो। बाकी अभी जो टीम है उसका प्रीव्यू आपके सामने, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, बाकी फाइनल जो बिल्कुल फाइनल टीम होगी जिसके साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको टेलीग्राम पर आफ्टर टॉस में प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।